फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि सरकार एंट्री लेवल टू व्हीलर्स पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की दर घटा दे। फादा की डिमांड है कि जीएसटी दर को घटाकर 18% कर दिया जाए। कोविड महामारी के दौरान ऑटो सेक्टर पर काफी बुरा असर पड़ा था। फाडा का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान हुई क्षति की भरपाई अभी तक एंट्री लेवल टू व्हीलर सेक्टर कर नहीं पाई है, इसलिए एसोसिएशन का मानना है कि जीएसटी दर घटाने से सेगमेंट नुकसान की भरपाई तेजी से कर सकेगा। ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव में बोलते हुए फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा कि वर्तमान में कुल वाहनों के सेल में 7% बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन एंट्री लेवल टू व्हीलर सेगमेंट में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। सिंघानिया ने कहा कि टू व्हीलर सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को जरूर मिली है, लेकिन कोविड से पहले के बिजनेस से अगर तुलना की जाए तो यह सेगमेंट अभी भी 20% पीछे है और अभी भी डैमेज रिकवर कर रहा है। इस कार्यक्रम में यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी भी मौजूद थे। सिंघानिया ने गडकरी से कहा कि सरकार को एंट्री लेवल टू व्हीलर्स पर जीएसटी कम करना चाहिए। वर्तमान में यह जीएसटी 28% है और इसे कम करके 18% करना चाहिए। 100-125 सीसी सेगमेंट की बाइक्स हो सकती हैं सस्ती। अगर सरकार फाडा की मांग पूरी करती है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि एंट्री लेवल सेगमेंट में जीएसटी घटा देती है और इसका सीधा असर 100-125 सीसी वाली बाइक्स पर पड़ेगा। सिंघानिया ने कहा कि ऐसा करवा कर पॉलिसी एडजस्टमेंट नहीं होगा, बल्कि ऐसा करना इस सेक्टर के लिए बड़ी आर्थिक मदद जैसा है। सिंघानिया ने कहा कि टोटल ऑटो सेल का 75% इसी सेगमेंट से आता है। इसी तरह की देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ NCR।